हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कपिल एडिट। तो दोस्तों, आज शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन है। तो अगले तीसरे दिन से शिव महापुराण कथा चली आ रही है, जो कि ग्रेटर नोएडा उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में शिव महापुराण कथा हो रही है। तो आज शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन है, जो कि 14 मार्च से 20 मार्च तक शिव महापुराण कथा चलेगी। तो श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने काफी अच्छे अच्छे उपाय बताए आज की शिव महापुराण कथा में, एंड उसके बावजूद शिव महापुराण कथा में काफी अच्छी अच्छी तरीके की बातें बताई गई है। तो दोस्तों, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि 4 अप्रैल से शिव महापुराण कथा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको उज्जैन शिव महापुराण कथा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें और इस वीडियो को भी लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उज्जैन शिव महापुराण कथा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे मिल जाएगी वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, आज शिव महापुराण कथा में काफी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने काफी अच्छे अच्छे उपाय भी बताए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो रेड बटन के आइकन को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो दोस्तों, आज शिव महापुराण कथा में एक छोटा सा सांप भी आ गया था, तो वो सिर्फ भोले बाबा की महिमा है। तो सभी दोस्तों को श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय हिंद, वंदे मातरम।